नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने ट्रेन से झपट्टा मारकर लोगों से सामान छीनने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत एक वार्ता में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टाटा नगर स्टेशन में स्नैचिंग गैंग सक्रिय है, और इसी आधार पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की, जहां कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें विजय साहू, सोनू कुमार, रजनीश कुमार, सागर यादव और रिकी कुमार चंद्रवंशी शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 4 मोबाइल बरामद किया है। इन सभी आरोपियों के ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विगत कुछ दिनों से टाटा नगर रेलवे स्टेशन के विरुद्ध आने वाले राहगीरों से और साथ ही चलती ट्रेन से मोबाइल पर शादी की झपट्टा मारकर छीनने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन सब शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में इन घटनाओं को उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। इस गठित टीम द्वारा बागबेड़ा थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आसूचना संकलन करते हुए छापामारी की गई और इस झपट्टामार गिरोह के कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही से 4 मोबाइल बरामद किए गए। ये पांचों जो अपराधी हैं उनके पांचों बागबेड़ा थाना के रहने वाले हैं, जिनका नाम विजय साहू, सोनू कुमार, रजनीश कुमार गुप्ता, सागर यादव और रिक्की कुमार चंद्रवर्षी है। इसमें से रजनीश कुमार गुप्ता और विजय साहू बागबेड़ा थाना का ही अधिकारी है। पहले भी जेल जा चुके हैं सर के? हाँ, इसमें से 4 लोगों का आपराधिक इतिहास है, रजनीश कुमार, सोनू कुमार, विजय साहू और सागर यादव। ये चारों चोरी, छिनतई, मारपीट आदि मामलों में पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके। अब तक कितने मोबाइल छीना है इनके द्वारा? हाल ही के दिनों में ऐसी शिकायत आ रही थी 6-7 घटनाओं को पारित करने की बात आई है। जो मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं उनका एमवीआई रन करवाया जा रहा है और पता करवाया जा रहा है कि इन लोगों ने किसके पास से छीना है। गिरोह चलाता है सर? हाँ, इसमें से बेसिकली जो विजय साहू है और रजनीश कुमार गुप्ता, ये बागबेड़ा थाना के दागी हैं। ये इसके आज पिछले कुछ दिनों में ये एक्टिव हुए हैं और यही छिनतई घटनाओं को।